हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ईशा नाम है किचन विद ट्रबल जीत। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम जीए के टोफ्ते और बड़े तरीके से कैसे बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो तो लाइक से शेयर जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर जाकर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3 प्याज लेने हैं। प्याज तो हमने बारीक बारीक काट लेना है और काली मिर्च और जीरे तो हमने मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने बारीक बारीक हमने काटा प्याज तो, काली मिर्च और जीरे तो हमने मैश कर लेना है और एक कटोरी बेसन की लेनी है। एक टमाटर लेना है, इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। अदरक हम थोड़ा टोफ्टे में डालेंगे और थोड़ा ग्रेवी में हम डाल लेंगे। जो हरी मिर्च हमने ग्रेवी में हमने डालनी है वो अदरक तो हरी मिर्च तो हमने मैश कर लेना है और थोड़ा सा धनिया लेना है। सबसे पहले हम जीए तो हम छील लेंगे। इसी जो ऊपर वाली छील होती है उसको हम उतार लेंगे। फिर हम रदड़ लेंगे, अच्छी तरह से हमने रदड़ लेना है। इसी तरीके से आएगा रजड़ चर और जो भीचा हिस्सा होता है नरम होता है बहुत, वो हमने इसमें नहीं डालना है, एक साइड में हमने रख देना है। फिर हम इसका पानी निचोड़ लेंगे इससे पानी जो, क्योंकि घीए में बहुत ज़्यादा पानी होता है। दोनों हाथों से हमने पानी जो निचोड़ लेना है। इसी तरह हमने सारे टोफ्ते जो हमने निचोड़ लेना है। सारे घीए तो हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है जो हमने रजड़ा हुआ है और जैसे हमने पानी एक कटोरी में निचाल लिया हुआ है और एक बाउल में हमने निचाल लिया है घीए तो। फिर हम एक टमाटर लेंगे, उसे मैश कर लेंगे। फिर हम टोफ्ते बनाने के लिए जो मटर पड़ता वो हम तैयार कर लेंगे। फिर हम अदरक और हरी मिर्च जो मैश की हुई है वो डाल लेंगे। फिर हम काली मिर्च और जीरा जो हमने मैश किया हुआ है वो डाल लेंगे। फिर हम नमक डाल लेंगे, नमक हमने आधा चम्मच डालना है। फिर हम आधा चम्मच हल्दी डाल लेंगे। फिर हम इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। फिर हम इसमें बेसन डाल लेंगे। बेसन हमने आधी कटोरी हमने डाल लेनी है, उतना ही डालना जितना इसमें मिक्स हो सके। फिर हमने इसे आँसों से मिला लेना है, एक आँसे हमने मिला लेना है इसे। इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि घीए में बहुत ज़्यादा पानी होता है। पानी की ज़रूरत तभी पड़ेगी अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो ही डालना है हमने पानी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो चम्मच डाल सकते हैं छोटे। और देसी हमने तैयार कर लिया हुआ है। फिर हम प्लेट से ढक लेंगे। फिर हम सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में, दो तीन मिनट पहले हमने ढक लेना है जो हमने मटर तैयार किया चोपचे के लिए। फिर हम बॉल्स बना लेंगे छोटी छोटी चोपचे की, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है चोपचे की, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है चोपचे की बॉल्स। अरे ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो अच्छी तरह से पचेंगी नहीं। इसी तरह हमने सारी बॉल्स बनाते तैयार कर लेनी है चोपचे की। तेल तो अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो अच्छी तरह से फिर हम इसमें टोफ्ते डाल देंगे एक एक करके। इसी तरह हमने सारे टोफ्ते तो डाल लेना है, एक एक करके हमने डालना है।
फिर हम इसे पकने देंगे अच्छी तरह से। इसे हम पलटेंगे नहीं, जल्दी नहीं पलटना, उतनी देर तक नहीं पलटना जितनी देर तक ऐसे ऐसे पक नहीं जाता। अब ऐसी एक साइड से पक रहे हुए हैं कोफ्ते, फिर हम इसे दूसरी साइड से भी पकने देंगे। इसे दूसरी साइड पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसे अच्छी तरह से पकने देना है। मीडियम फ्लेम पर हमने पकने देना है कोफ्ते को। अब देखिए गोल्डन कलर का रंग आ रहा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। फिर हम इसे निकाल लेंगे इस बाउल में। जाली से हमने निकाल लेना है इस बाउल में। इसी तरह हमने सारे कोफ्ते जो हमने पचा लेना है, अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे, अगर ज़्यादा है तो। फिर हम इसमें सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जो हरी मिर्च हमने डाली है ग्रेवी के लिए, वही लहसुन की डंडी डाली है मैश किया हुआ है, इन तीनों चीज़ों को फिर हम इसमें डाल लेंगे। फिर हम इसे भुनेंगे 2-3 मिनट के लिए। दो तीन मिनट बाद हमने इसमें प्याज डाल लेना है जो हमने बारीक बारीक काटा हुआ है। फिर हम इसे हिला लेंगे, बीच बीच में हिलाते रहना है हमने चढ़ते तो। फिर 2-3 मिनट बाद हम टमाटर डाल लेंगे जो मैश किया हुआ है हमने टमाटर तो। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर अच्छी तरह से हमने भुनने देना है चढ़ते तो। बीच बीच में हमने हिलाते रहना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर ऐसा हमने चढ़ते तो भुनना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर ऐसा हमने चढ़ते तो भुनना है। मीडियम फ्लेम पर ऐसा जब हम चढ़ते तो भुने दे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा सब्जी का। अब हमारा चढ़ता गोल्डन कलर का हो गया हुआ है। फिर हम इसमें नमक डालेंगे, नमक हमने अपने हिसाब से डालना है और सोडा डालना है, चौंधी हमने पहले भी डाला है, आधा चम्मच मैंने डाला है नमक, और आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है और आधा चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसमें पानी डाल लेंगे, जो पानी हमने घीए में से निकाला था निचोड़ कर। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। बीच बीच में हमने हिलाते रहना है। थोड़ी देर चले पकने चले रख देना है हमने। अच्छी तरह से चढ़ता जब भून जाएगा फिर हम इसमें पानी डाल लेंगे। बीच बीच में मिलाते रहना है ताकि हमारा चढ़ता जल ना जाए। अब हमारा चढ़ता अच्छी तरह से भून गया हुआ है। जब चढ़ता तेल अलग चढ़ दे तो फिर समझो हमारा चढ़ता भुनचा तैयार है अच्छी तरह से। फिर हम इसमें पानी डाल लेंगे, पानी हमने अपने हिसाब से डालना है सब्जी के हिसाब से। फिर हम इसे 7-8 मिनट चले रख देंगे प्लेट से ढककर। मीडियम फ्लेम पर अच्छा ही हमने सब्जी बनानी है।
ये 7-8 मिनट बाद हम देखेंगे। फिर हम इसमें टोफ्टे डाल लेंगे। फिर हम इसे हिला लेंगे, ज़्यादा नहीं हिलाना है। फिर हम इसमें मसाला डाल लेंगे, मसाला हमने लास्ट में हमने डालना है। फिर हम इसे हिला देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा नहीं हिलाना है हमने सब्जी को। फिर हम 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। फिर 2-3 मिनट बाद हम इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। फिर हम इसे मिला देंगे अच्छी तरह से। जैसे हमारी बॉल छोटी नहीं है बिल्कुल भी, चम्पल ऐसे ढक देंगे। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद हम गैस बंद कर लेंगे। जैसे सब्जी चढ़न कितना बढ़िया आया, खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है ये सब्जी। फिर हम गैस तो बंद कर लेंगे, प्लेट से ढक लेंगे। आप चाहे तो इस बॉल में भी अपनी चाल सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारे बॉल एक भी नहीं टूटा है, जितने अच्छे से बनी है सब्जी। ऐसी इसी रेसिपी से बनाई सब्जी बनाइए जाए और चाहिए जाए मैं हमें जरूर बताइए जाए कि कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा तड़की भी बनी हुई है यह सब्जी। मिलते हैं तो नहीं ऐसी वीडियो में जाइस, तो चलिए।